अब मेरे चश्मा आप देख सकते हो, इसको बोला गया था कि मेरे को ये तो यही गर्लफ्रेंड है, यही बंदी है मेरी। भाई दिल्ली का जन्नत है, जन्नत है। इसे मास्क पहन लो यार, नहीं तो चलान कट जाएगा। अभी कुछ लोगों का चलान कटा है। तूने चश्मा लगा रहा, मैंने नहीं लगा रखा। लगाने से पड़ा मैं हीरो दिखने से मेरे को पहले। बहुत सारे लोग आपको घूर घूर के देखते हैं, समझ में नहीं आता भाई क्यों देखते हैं। मजा आ गया भाई, एक नंबर की तरह एक नंबर चाहे। दोस्तों मैं हूं अंश, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं आऊँ कहाँ, सीपी। और आपको अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो काफ़ी चीज़ें मैंने दिखाई है, हिस्ट्री से रिलेटेड या फिर कोई मेला लगता है जैसे हुनर हाट, उस टाइप से रिलेटेड आपको मैंने मोस्टली वीडियो दिखाई है। बट आज मैंने ये सोचा कि आज क्यों ना लाइफ स्टाइल किया जाए, मीन्स जो मैं करता हूँ वो आपको दिखाया जाए। और हम पहुँच चुके हैं सीपी। अभी आप मेरा जो चश्मा है आप देख सकते हो, इस पर स्क्रैच पड़ चुका है। सबसे पहले लेंगे क्या चश्मा, देन आफ्टर चलेंगे आगे की तरफ। एक और खास खास शख्स से मिलाना चाहता हूँ जो इस समय आप मेरे साथ देख रहे होंगे, यह है इंद्रजीत भाई। क्या कहना चाहते हो इंद्रजीत भाई, क्या करने वाले आज हम? आज हम लोग बहुत मज़े करने वाले हैं, और तू साथ में होता है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। और जैसे कि हम अभी लास्ट टाइम आगरा गए और वहाँ से घूम के आए, बहुत मज़ा आया, तो ऐसे ही आज मज़ा आने वाला है। बिल्कुल आने वाला है यार, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं कहां, सेंट्रल पार्क। अब आप देख सकते हो यहां का जो नज़ारा काफ़ी मतलब डिफरेंट है, और यहां पे जो क्राउड है वो काफ़ी बढ़ चुका है नॉर्मल डे से, बिकॉज आज है संडे, इस वजह से भी यहां का जो क्राउड है वो बढ़ चुका है। और कुछ कहना चाहते हैं इंद्रजीत साहब यहां के बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कहना चाहते हैं, और बताइए क्या कहना चाहते हैं। ये जो सीपी का सेंट्रल पार्क, देख के बोलो यार, ये जो सीपी का सेंट्रल पार्क है ये सिर्फ एक पार्क ही नहीं, ये हसीनाओं का शहर है। ओके हाँ, ये आप लोग जो है कि बहुत मजा आता है यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे आने के बाद तो मतलब ऐसा फील होता है यार, मतलब जन्नत है जन्नत, ऐसा फील होता है हम जन्नत में आ चुके हैं। दोस्तों आप मेरे बिल्कुल बैक साइड देख सकते हो, ये है फ्लैग, इसके बिल्कुल मैं नज़दीक आ चुका हूँ, और यहाँ का जो नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। और ये जो पार्क है ये कपल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और साथ ही साथ हम जैसे लोंडों के लिए भी ये जो पार्क वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे आने के बाद यार जो अपनी एनर्जी है वो बूस्ट हो जाती है। और हमारे इंद्रजीत भाई को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्या करने में, व्लॉगिंग करने no में। प्रॉब्लम मुझे भाई, प्रॉब्लम होगी भाई नहीं, को नहीं नहीं अभी नहीं प्रॉब्लम हो रही। हुआ क्या कि अभी पापा शैंगो जो हैं वो जाग गए हैं। अच्छा, पापा शैंगो जाग चुके हैं, और मेरे अंदर के जो पापा शैंगो है कुछ ही देर में जागने वाले हैं, उसके बाद काफी ज्यादा मजा आने वाला है। क्या ब्लॉग के अंदर अभी तो करने वाला भी, तो दोस्तों जल्दी जल्दी से मास्क पहन लो यार, नहीं तो चालान कट जाएगा। अभी कुछ लोगों का चालान कटा है। आप मेरे बिल्कुल बैक साइड देख सकते हो, ये है फ्लैग, इसकी जो हाइट है वो 260 फीट, और इसकी अगर मैं वजन की बात करूं तो इसका जो वजन है वो 18 टन के आसपास। और आप देख सकते हो आज का जो मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है, ना गर्मी लग रही है ना सर्दी लग रही है, कुछ ही देर में हमारा जो सन है वो सेट होने वाला है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज़ है वो हो रही है। अगर आप मेरे बिल्कुल बैक साइड देखोगे तो वहाँ पे गाना गाया जा रहा है, मतलब हर यहाँ पे अपने आप में एक आर्टिस्ट है, कोई व्लॉगिंग कर रहा है, तो कोई टिकटॉक पे, मींस टिकटॉक तो बैन हो चुका है, कोई मोज पे वीडियो बना रहा है, कोई टकाटक पे वीडियो बना रहा है। तो आप देख सकते हो मींस हर बंदा अपना जो टैलेंट है निखारने की कोशिश करता है इस पार्क में, काफ़ी लोगों का जो भविष्य है इस पार्क से बना है। इंद्रजीत भाई के साथ इंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल, और बहुत सारे लोग अपनी बंदियों के साथ आए, गर्लफ्रेंड के साथ आए, हम लोग अकेले आए भाई, अकेले मेरे तो यही गर्लफ्रेंड है यही बंदी है मेरी। भाई हर बार कहीं भी जाता है इसी के साथ जाता हूँ मैं। एक्चुअली क्या मेरी तो शादी नहीं, भाई की तो शादी हो चुकी है, फिर भी कह रहा अकेला है। मैं क्या सकता हूं, झूठ बोल रहा है, अभी भी कोई लड़की है मुझ पर चांस मार सकती है। अगर 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 आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो इसके चैनल माउंटेन मैन में जाके देख लेना, ठीक है, पता चल जाएगा इसकी इनकी वाइफ है। अगर मेरे को पसंद करना करती है या मुझसे मिलना चाहती है, मुझसे प्यार करना चाहती है, I am ready bro, ठीक है। तो दोस्तों आपने सुनी लिया होगा क्या कह रहा है मैं इंद्रजीत भाई साहब, क्योंकि तो भाई अकेला हैप्पी हूं। यहां का एनवायरनमेंट देखने के बाद मुझे बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आते हैं, एंजॉय करते हैं, मजे करते हैं, और हम ही आते हैं कि अंश के साथ आते हैं।
दोस्तों आप मेरे बिल्कुल बैक साइड देख सकते हो, ये जो लोकेशन है एक टाइम टिकटॉक के लिए बहुत ही ज्यादा। सर भाई संजय भाई भी आ चुका है और आप देख सकते हैं संजय भाई ने एक नया फोन लिया है, उसके लिए तो सबसे पहले संजय भाई को कांग्रेचुलेशन देता हूं। आईफोन 11 लिया भाई। और क्या सर आज का दिन संजय भाई? बहुत सही है, अभी कुछ भी लेकिन बनाया नहीं मैंने। तो दोस्तों इसके चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, इसके चैनल का नाम है मिनी जंपर, जो बनाते हैं फ्लिप से रिलेटेड वीडियो। और इनसे तो जा रहा हूं मैं भी वीडियो बनाने प्रैक्टिस करने। ओके बाय। तो दोस्तों ये था संजय और आप देख सकते हो ये इसके बारे में बता रहे थे, इस पोर्शन के बारे में। यहाँ पे कभी रश हुआ करता था, फिलहाल अभी जो रश है वो कम इसलिए हो चुका है क्योंकि टिकटॉक बैन हो चुका है, उसके बाद जो प्लेटफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट ऐप में बढ़ चुके हैं। और आप देख सकते हो उसके बावजूद भी यहाँ पे जो रश है वो आप ये कह सकते हो कम नहीं है, मीडियम है, अच्छा है, अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। मतलब आप ये कह सकते हो कि इस टाइम आप यहाँ पे आके अपना जो टाइम है वो इन्जॉय कर सकते हो। तो दोस्तों आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ, जब भी हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो इंद्रजीत भाई हमेशा ये कहता है अंश भाई तू स्टार्ट कर, तू स्टार्ट कर। पता नहीं यार टैलेंटेड है ना इसलिए। अरे ऐसी बात नहीं है भाई, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ। अब देख तूने चश्मा लगा रहा, मैंने नहीं लगा रखा। चश्मा लगाने से पहले हीरो दिखने दे मेरे को पहले। बोल क्या बोल रहा है। हाँ तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि इंद्रजीत भाई हमेशा मेरे को ये कहता है कि व्लॉग तू स्टार्ट कर, तू स्टार्ट कर, क्योंकि यार पब्लिक में स्टार्ट करते समय मेरी जो हालत है बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। बिल्कुल दोनों की होती है और हम दोनों ही मैनेज कर लेते हैं एक दूसरे का देख देख कर। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा क्राउड है और इस क्राउड में व्लॉग करना इट्स नॉट इजी बिकॉज बहुत सारे लोग आपको घूर घूर के देखते हैं। समझ में नहीं आता भाई क्यों देखते हैं, क्यों देखते हैं भाई? नहीं कुछ लोग जो जानते हैं वो नहीं देखते हैं, बाकी जिनको नया नया दिखता है तो लोग तो देखेंगे ना। अच्छा तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं कहाँ इंद्रजीत भाई, कहाँ जा रहे हैं? हम चाय पीने जा रहे हैं कुल्लड़ वाली। वो भी तो दोस्तों आप चलते हैं कहाँ? कुल्लड़ वाली चाय पीने। और जो मास्क है उसको मैं उतार नहीं सकता, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ एक भाई के साथ अभी हादसा होने वाला था, होते होते बच गया, मीन्स उसका चलान करते करते बच गया। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ के फुटपाथ की। तो दोस्तों यहाँ के फुटपाथ में जो है मार्केट लगी होती है, जैसे कि आप मेरे बिल्कुल बैक साइड देख सकते हैं, यहाँ बेल्ट जो कपड़े हैं सारी चीज़ें आपको फुटपाथ पे अवेलेबल हो जाएंगी और आपको यहाँ पे बार्गिंग करनी पड़ती है। आप मेरे चश्मा आप देख सकते हो, इसको बोला गया था कितने का मेरे को? कितना कितना बोला गया था भाई इसका प्राइस? 450। साढ़े नहीं पहले 400 कुछ समथिंग 50 के आसपास बोला, फिर साढ़े डिस्काउंट करने के बाद तो वही 450 सॉरी वो 450 ही था प्राइस इसका, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट करके आगे कितने पे पहुंचा? 150 पे पहुंचा, फिर भी ठग लिया इसने। हाँ फिर भी ठग लिया भाई, एक्चुअल में इसकी जो प्राइस है वो है 100 रुपये, फिर भी यार 50 रुपये तो देना ही पड़ा, जितने मर्जी कर लो यार। में आना है तो बार्गेनिंग करना आना चाहिए। उसके बाजू भी देख लो फिर, हम उसके बाजू भी ठग गए हम। हाँ सही कह रहे, इतना बार्गेनिंग किया, इतना हमने बातचीत की उसके साथ, तब जाके 150 मिला। और उसके बाजू भी जाके 50 रुपये हमारे जेब से चले गए, कोई बात एक्स्ट्रा चले गए यार। तो दोस्तों आप बिल्कुल मेरे बैक साइड देख सकते हो, यहाँ पे बनाया जाता है क्या टैटू। अगर आप इंटरेस्टेड है अपने बॉडी के किसी भी हिस्से में टैटू बनवाना चाहते हो तो यहाँ बनवा सकते हो बिल्कुल मंदिर के सामने। और हमारी जो फेवरेट कचौड़ी है वो भी आ चुकी है और जो चाय है वो भी आ चुकी है, चाय का मज़ा भी लेंगे तो साथ ही साथ जो अपनी कचौड़ी है उसका भी मज़ा लेंगे। तो दोस्तों बनवाते हैं एक अच्छी सी कुल्लड़ वाली चाय। दोस्तों फाइनली जो हमारी जो चाय है वो आ चुकी है, कौन सी कुल्लड़ वाली चाय आप देख सकते हो, और साथ ही साथ जो मैंने कचौड़ी है वो भी मंगवाई हुई, यहाँ की स्पेशल कचौड़ी है। तो इंद्रजीत भाई साहब जी क्या कहना चाहते हो इस चाय के बारे में? अलग ही कॉम्बिनेशन हो गया आज, एक बार मैं टेस्ट करके बताता हूँ। सॉरी यार मेरी चाय गिर गई यार। चेस। मजा आ गया भाई, एक नंबर चाय है इस बार, कुछ ज्यादा अच्छा टेस्ट है इसका। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत मजा आ रहा है दोस्त। हाँ तो दोस्तों हमारी जो कचौड़ी है वो भी आ चुकी है, चाय आ चुकी है, दोनों को करते हैं फिनिश, उसके बाद चलते हैं घर। घर तो जाएंगे साथ ही साथ उससे पहले भी थोड़ा सा ब्लॉग करने की हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों फाइनली हमारी जो चाय और जो कचौड़ी थी वो हो चुकी है फिनिश और काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। देखता हूँ मेरे मोबाइल में जो टाइम है वो कितना हो रहा है, एक मिनट देख के आपको मैं बताता हूँ। मेरे मोबाइल में जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6:48 हो चुके हैं, मीन्स काफ़ी टाइम हो चुका है और अब निकलेंगे कहाँ? घर के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है इंद्रजीत भाई? लाइक करो, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। उससे आगे बढ़ने से पहले क्या कहना चाहते हो, आज का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था इंद्रजीत भाई? बहुत मजा आया। और एक्सपीरियंस की बात करें तो ऑब्वियसली बात है कि तेरे साथ आता तो बहुत मज़ा आता है, एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलता है और
काफ़ी इन्जॉय किया हमने। तो वीडियो तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट करो। तो दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहता हूँ जाने से पहले, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बीच बीच में इस टाइप की जो वीडियो, जैसे आज हमने वीडियो बनाई, वो बीच बीच में हम ऐसे ही बनाते रहेंगे, ठीक है? अगर आपको अगर लगता है कि इस वीडियो में कोई है कमी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। मीन्स आपके लिए जो ये ब्लॉग है काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर। जाने से पहले एक बार सब्सक्राइब का जो बटन है वो दबा देना चाहिए। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर। वंदे मातरम।